मैं चमार। हाँ चमट्टा मुर्दाबाद। हाँ मैं वायरल वीडियो में दिख रहा है ये शख्स जिसका नाम लवली है। अब आप इस वीडियो को देखकर ये सोच रहे होंगे कि आखिर लवली को पीटा क्यों जा रहा है। दरअसल तथाकथित सवर्ण गुंडों ने लवली को सिर्फ इसलिए पीटा कि वह बहुजन है। जिंदाबाद हिंदुस्तान में जिंदाबाद। मुंह पर कर रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे नू क्या है अम्बेडकर की मुर्दाबाद। अम्बेडकर की झूठ बोल रहा वो क्या क्या है अम्बेडकर मुर्दाबाद। मामला यूपी के मेरठ से है जहां एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। तथाकथित सवर्ण गुंडे ने एक बहुजन युवक को बेरहमी से पीटा और फिर उसे बाबा साहेब अंबेडकर को गाली देने के लिए मजबूर किया गया। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। दबंगों ने पूरे मामले का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। ऐसे में सवाल ये है आखिर इन दबंगों को कानून पुलिस प्रशासन का जरा सा भी खौफ क्यों नहीं है। इन तथाकथित सवर्ण गुंडों के पीछे किसका हाथ है जो खुलेआम किसी को भी मारपीट कर घायल कर देते हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं जिसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आते हैं। आपको बता दें हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि हेट क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। 2018 के पहले 6 महीने में हेट क्राइम के 18 मामले सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। बहुजनों के ऊपर लगातार जातीय हमले हो रहे हैं। अब एक बार फिर से मेरठ की घटना से हेट क्राइम सामने आया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा है। आखिर क्या मोदी और योगी सरकार बढ़ते क्राइम को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल इंडिया न्यूज़।